नमो बुद्धाय, नमो प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। द साउंड ऑफ इनर पीस, द साउंड ऑफ इनर पीस रिलीजिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन सब योगा, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, फ्रॉम फादर होम। साथियों, सभी उपासक उपासिकों, सभी भारतीय साथियों, मन की शुद्धि ही बुद्ध है। आहार और विहार हमारा आहार मन को शुद्ध करता है, हमारा विहार मन को शांत करता है। हम किस तरह से खाना खाते हैं, इसी पर हमारा मन शुद्ध विचलन करता है। आहार और विहार, क्या हम पशुओं की बलि देकर जो खाना खा रहे हैं, क्या हम बहुत स्ट्रांग और बहुत खुश हैं? जो पशु जीवदान में है, जब हम मार्केट में निकलते हैं बड़े आव के साथ में, बड़े खुशी के साथ में, हम चाहते हैं आज हमारे हमारे घर में मेजबान आए हैं और उस मेजबान को आज हम नॉनवेज से खुश करेंगे। वेज एक प्राकृतिक देन है, वेज भी एक संपत्ति है और एक जीव है, लेकिन बहुत सारा आम का पेड़ है जो कच्चे से परिपक्व हो जाता है और झुक जाता है, वो आम खाने में अर्थ है। उस आम को पुनर्जन्म में परिवर्तित होता है,
छोटी गुठली अगर तोड़ दे तो खाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको गुठली नहीं बनती है। कच्चा आम भी खा दे तो मजा नहीं आवे, पका आम खा दे तो खाने के लिए होता है। और उस आम को पुनर्जीवन मिलता है उसकी, वो खाने के बाद में उसकी जो अंदर की गू होती है अगर वो मिट्टी में मिला दी जाए, वैसे ही पेड़ लगते हैं। उस पेड़ को पानी, हवा, सभी मिल जाए पांचों तरफ, उसका पुनर्जन्म होता है। वैसे ही जो पक्षी, जो बकरियां हम खाते हैं, क्या वो खुशी से आपके लिए तैयार होती है? हम किसी का जीव लेने के पात्र नहीं होना चाहिए। हम खुशी से हमारे लोगों को भजवान देते हैं, पार्टी देते हैं, होटल में जाते हैं, कई प्रकार का खाना खाते हैं। जिस पशु की हत्या हुई है वो पशु आपको आशीर्वाद नहीं देता, फिर हमको खाने में तकलीफ होती है और फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, अटैक आते हैं। आहार वही खाओ जो खाने के लिए है। नारियल में बहुत विटामिन है लेकिन आपको मालूम नहीं है। काजू, किशमिश, बरगद और बहुत सारी वस्तु है जहाँ इससे भी ज़्यादा विटामिन है, और वो खुशी से आपको खाने के लिए तैयार हुई है। परिपक्वता आ गई उसमें, जिस चीज़ में परिपक्वता आ गई है वो खाने में हरकत में। किसी की हत्या कर खाना ये बुद्धिजम नहीं है। दोस्तों, प्राणी मात्र पर दया करो। बुद्ध कहता है प्राणी पर दया करो, जीव जंतु पर दया करो। शायद हमें मालूम नहीं है, बरसात में, अब बरसात शुरू हो गई, थोड़ा पानी होने दो और फिर भेड़ूक का आवाज देखो, कहां से आते हैं भेड़ूक? साल भर मट्टी में चुप कर रखे हुए, एक साल का मेडिटेशन करके वो हमें शांति से आते हैं। उसका प्रवास बंद मट्टी में होता है, मट्टी से कई जीव जंतु आते हैं, ऐसे हजारों लाखों जीव जंतु जो हमें दिखते नहीं, जो हमारे में वास करते हैं, उनका घर नीचे है। कुछ जीव जंतु हवा में हैं, बहुत दूर तक है। क्यों जो जीव जंतु हमें दिखते हैं पशुओं के रूप में, झाड़ों के रूप में, फूलों के रूप में, पखरों के रूप में, अलग अलग प्रकार के, बरसात में कुछ ऐसे लाइट के भीतर घूमते हुए कुछ कीटक आते हैं पत्तियां झाड़ के, बस 5 मिनट का आयुष्य लेते हैं। हर चीज अपने आप पर डिपेंड है। बगड़े पानी में तैरते हैं, मच्छियां खाते हैं,
लाइफ में ये सब कंट्रोल शक्ति करने के लिए इस चीज बनी हुई है। जो नॉनवेज है उन्हें बड़ी तकलीफ है, बाकी जो वेज है, हम कुत्ता बिल्ली मनुष्य, ये वेज और नॉनवेज है, ये अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, ये वेज बन सकता है। जिसको समझदारी है वो पशुओं की हत्या, पेड़ों की हत्या नहीं कर सकते, और जो जिस पर बने हैं एक मेक पर नॉनवेज से बने हुए हैं उन्हें उनके कृत्य करने दो। लेकिन जो समझदार है मनुष्य, समझदार है, उन्हें आहार में क्या लेना चाहिए, बुद्ध के मार्ग से लेना चाहिए, धम्म के मार्ग से लेना चाहिए, संघ के मार्ग से आहार। इसलिए भगवान बुद्ध ने आहार के लिए तथागत होने के बाद एक ताकत निर्माण की और बताया कि मेरे भंतु, चलो भंतु, बनते हो आहार उतना लो कि जो आवश्यक है। मनुष्य अगर 6 महीने भी नहीं खाना खाया हड्डी का ढांचा बनकर जी सकता है, पानी से जी सकता है, हवा से जी सकता है, हमारे नाक में कितने ऐसे जीव जंतु है जो श्वास में जा रहे हैं, ये सब बातें हम कोविड से देख रहे हैं। कोविड में कौन था जो मनुष्य को नाक से जाकर, मुंह से जाकर, हाथ को चिपक कर, कई लोग भारत के 1 कोटि लोग, दुनिया के कितने कोटि लोग गए कोविड के लाट में, 19 के लाट में कितने लोग गए, हर परिवार में गए। हमारे भी हिंदुताई परिवार में हमारे भाई साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलीप फुलेकर, हमारे बड़े भाई साहब यादवराव फुलेकर, हमारे टीचर लोग पढ़ाते सर मेसराम सर, पुंडे सर, महेश मेसराम, गौरी मैडम, खिल्लारे सर, मेसराम आंदड़ गांव के हमारे कुछ लोगों को दहशत की डर हुआ और कुछ लोगों ने टीका न लगाने वजह से कहे। दोस्तों ये क्या प्रकार था, क्यों गए और कैसे गए, इनकी क्या गलती हुई, इन बातों को खोजना चाहिए। हमारे पूरे देश में करोड़ों लोग गए, कुछ लोग तो डर के गए। लोगों की हालत ये हुई, एक दिन में कहीं हर 40-40, 50-50, 100-100 लाश गई। जिस तरह से कुत्ते मारते हैं उस तरह से मारे गए। ये कौन सी शक्ति है जो हमें मार रही है, ये क्या मार है जो हमें मार रहा है, ये क्या बातें हैं जो हमसे दूर गए, ये क्या चीज है जो हमसे दूर गई। दोस्तों हवा में हम हवा को प्रदूषण में बदल दिए हैं, वाटर को प्रदूषण में बदल दिए हैं, झाड़ों को कटाई कर पानी पर विपरीत परिणाम कर दिए हैं। समझदारी इस बात की है कि हमारे घर में एक आदमी ने 5 पेड़ लगाना चाहिए। 135 कोटि
लोगों ने छह अब्ज फीट अगर लगाए तो पशु पक्षी सब प्रसन्न हो जाएंगे और जो कोरोना के कीड़क हैं वो भी उस पेड़ में जाकर छुपेंगे। हर को निवारा की आवश्यकता है। हर आदमी ये चाहता है मेरा एक घर हो, सुंदर सा घर हो। हर पक्षी ये चाहता है कि मेरा सुंदर घर हो। हर कुत्ता ये चाहता है कि मुझे किस मालिक ने एडॉप्ट करना चाहिए। हर बिल्ली चाहती है उसका छोटा सा घर हो। हर सांप चाहता है उसका छोटा सा घर हो। हर कीटक चाहता है उसका छोटा सा घर हो। कोरोना भी चाहता है, कोविड भी चाहता है छोटा सा घर हो। फिर वो मनुष्य का घर खोजता है। मनुष्य सबको पसंद है और मनुष्य के लीवर में जाता है, किडनी में जाता है, वो घर समझ के उसको खाता है। घर और खाने के लिए उसको वही आ रहा है, इसलिए मनुष्य मर जाता है। दोस्तों, जब हमें मालूम है कि हम इस तरह से मरते हैं तो हमने पेड़ों की खुदाई करके काट के बजाय हमने पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों का स्वागत करना चाहिए। बचपन से हमको ये शिक्षा देना चाहिए कि इस साल एक आदमी को 5 पेड़ जिंदे रखना है, 5 पिंजरे लेना है, पानी देना है, हवा देना है और सुंदर वातावरण में जो हमारे कीटक है, जो हमारे कोविड है, जो अदृश्य शक्ति है उसको पेड़ में पकड़ के रखना है। हर घर में एक तुलसी हो, हर घर में मनी पेड़ हो, हर घर में ऐसे पेड़ हो, नीमल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो। दोस्तों, इस साल हम 3,000 के ऊपर पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। पेड़ ही हमारे साथी है, पेड़ ही हमारी ताकत है। हर अदृश्य शक्ति को रहने के लिए निवारा चाहिए। वो निवारा ढूंढ रही है। अगर उसको निवारा नहीं मिला, पेड़ नहीं मिले, समुद्र को हम डुबा रहे हैं, तालाबों को हम नष्ट कर रहे हैं। हमारा भंडारा जिला 500 के ऊपर तालाब थे, आज धीरे धीरे जमीन में परिवर्तन हो रहे हैं। तालाब में कमल के फूल आते हैं, कीचड़ से निकलते हैं और वही कमल के फूल भगवान बुद्ध के मार से जाते हैं। हर फल हर सीजन में आता है। कश्मीर में एप्पल सुंदर होता है, नागपुर में संतरा होता है, अरबस्तान में खजूर होता है। हर पेड़ की असीमित है। जापान में अलग फ्रूट आता है, लंदन में अलग फ्रूट आता है। भंडारा जिले में मोवाड़ी तालुका में मिर्ची बहुत अच्छी आती है, बीवापुर की मिर्ची, तुमसर का चावल, तुमसर की तुम मच्छी। हमने इन सब बातों को नष्ट कर दिया है। हमें खुशी है बिल्डिंग बांधने की, हमें खुशी है पेड़ों को काटकर, प्राणियों को मारकर दूर जंगल में सफारी बनाने का। वहां भी व्यापारीकरण है। नेचुरलता को हम काट डाल रहे हैं, नेचुरल चीज को हम काट डाल रहे हैं। आहार और विहार जीवन की सादा गणित है और इस सादे गणित को क्या भगवान जब पैदा हुआ तब कपड़े लेकर पैदा हुआ? इस बातों को भी हम सोचना चाहिए। मनुष्य ने खुद को ही भगवान कहा।
ना भगवान बुद्ध हुआ, ना भगवान राम हुआ, कोई भगवान नहीं, सादे मनुष्य थे। जैन भी सादा मनुष्य था। भगवान बुद्ध 28वां बुद्ध है, हमारे राहुल पंत कहते हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार में बुद्ध की व्याख्या की। बुद्ध वो है जो पंचशील पालता है, बुद्ध वो है जो दशरथिता पालता है, बुद्ध वो है जो अष्टांग मार्ग बताता है। मेरे साथियों, हम आहार और विहार के बारे में पंचशील का पालन करते हैं, पंचशील ही हमारा मार्ग है। पाणा चिपाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कामे चु मिछारा वीरमणि सिक्का पदम समाधियानि, मुसावादा वीरमणि सिक्का पदम समाधियानि, सूरा मेरय मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्का पदम समाधियानि। जीव हंतु से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। किसी जीव जंतु को मारने से क्या हम बहुत सफल होते हैं, क्या हमें खुशी मिलती है? हर संडे को हम पशुओं की हत्या कर मसाला में फगजी कर सब्जियों की टेस्ट लेते हैं, होटल में जाते हैं, बहुत पैसा उड़ाते हैं। हमारे पास में मैं चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता हूं, ईमानदारी से आने वाला पैसा, ईमानदारी से खाने वाला पैसा, ईमानदारी से रहने वाला पैसा, ये शांति देता है, प्रज्ञा देता है, शील देता है, करुणा देता है। और जहां प्रज्ञा आई, जहां शील आया, जहां करुणा आई, वहां शांति आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, काम वासना, रशिया की रानी को इतना काम वासना था कि काम वासना भगाने के लिए घोड़ों के साथ में, पशुओं के साथ में काम वासना भगाई रशिया की एक रानी, और आखिर खत्म हो गई। काम वासना इतनी हुई है, अलग अलग प्रकार की भूख है। काम वासना जब से मनुष्य पैदा हुआ है, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, प्राणियों में, झाड़ियों में, ये वासना है। पृथ्वी के निर्माण से ही यह वासना हुई है। वासना के लिए शांति है, वासना के लिए शांति है। जितनी आवश्यकता है और जो हमारे में एक्ट है, कायदे है कि हमारी पत्नी के साथ में वही होना चाहिए और किस टाइम पर होना चाहिए, इस बात को भी हम ध्यान देंगे। बुद्ध के विचार पंचशील है, बहुत ताकत वाले हैं। अगर हम किसी स्त्री के तरफ बुरी नजर से देखते हैं, ध्यान रखो दोस्तों, ये पाप का कारण होता है। खुली नजर से, बुरी नजर से देखते हैं तो पापी बन जाते हैं, और अंदर से भी देखते हैं तो भीतर का मन अशुद्ध हो जाता है। यह अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए पंचशील कहता है, शुद्ध मन से वासना करो। शुद्ध ही शुद्ध है, बुद्ध शुद्ध है। प्राणी मात्रा पर दया करो, चोरी करने से दया करो, काम वासना से दूर रहो, झूठ बोलने से दूर रहो। बहुत बार हम झूठ बोलते हैं, पाप करने के बाद में भी झूठ बोलते हैं,
हमने कभी किसी के कैरेक्टर खराब नहीं किए, हमने कभी दारू नहीं पी, झूठ बोलते हैं, हमें काम वासना नहीं की, झूठ बोलते हैं, और फिर हमको हमारा कर्म यही दंड देता है। वो दंड बहुत ही खतरनाक होता है। झूठ मत बोलो, धम्म और संग तुम्हें प्रेम से देख रहा है, धम्म तुमको माफ करेगा, संग भी माफ करेगा। धम्म एक आहार है और विहार है, संग एक मनुष्यों से लेकर अनेक मनुष्यों से संग बनता है। अगर तुमने माफी मांगे और सुधार ना किए तो संग तुम्हें माफ करेगा, संग तुम्हें माफ करेगा, बुद्ध तुझे माफ करेगा, बुद्ध तुम्हें माफ करेगा, धम्म तुझे माफ करेगा, धम्म तुम्हें माफ करेगा, संग तुझे माफ करेगा, संग तुम्हें माफ करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मद्य एक ऐसी चीज है, दारू एक ऐसी चीज है, हमारे झोपड़पट्टी में बहुत सारे लोग दारू के धंधे करते हैं और उस दारू के धंधे को पुलिस लोग भी मदद करते हैं। जिस घर पुलिस के घर में बहुत सारे पैसे आए हैं, ध्यान में रखो, पैसा आज है कल नहीं, पैसा आज है कल नहीं। अकबर इतना बड़ा अमीर था, अकबर का कोई वारिस करोड़पति है? सम्राट अशोक इतना बड़ा अमीर था, सम्राट अशोक की प्रॉपर्टी है? बुद्ध इतना अमीर था, क्या बुद्ध की प्रॉपर्टी है? अंबानी आज अमीर है, कल अंबानी नाम की चीज नहीं रहेगी, कुछ सालों में 100-200 साल में बदल हो जाता है। परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन ही परिवर्तन है। कल हमारी भाषा क्या थी, आज हम कहाँ है, आज हम यहाँ हैं, कल हमारी पीढ़ी अमेरिका में रहेंगी, लंदन में रहेंगी, कुवैत में रहेगी, हर कोई भी प्रांत पर चांद पर भी जा सकती है। प्रयत्न करो तो चांद, सूरज, इस पर भी रहने वाले लोग रहेंगे, वो दिन हम नहीं रहेंगे। हमारी सोच ही हमारी परिवर्तन की मात्रा है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जो सोचोगे वैसा ही पाओगे। घृणा, ईर्ष्या, वासना, ये बीमारी की जड़ है। हम घृणा करते हैं अपने आप पर, हम घृणा करते हैं दूसरों पर, हम घृणा करते हैं कुछ लोगों पर। पेड़ ऊपर आम गिराने के लिए पत्थर अगर मार दिए, बहुत बार वो पत्थर हमारे सिर पर गिरता है, वैसा ही घृणा है। हम दूसरों की घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, हमें क्रोध आता है। क्रोध इसलिए आता है कि हमारी आहार की मात्रा कितनी होना चाहिए, हमारी विहार की वासना कितनी होना चाहिए। विहार सोने के लिए है, हमारी बॉडी सो जाती है, थक जाती है। अच्छा काम कर सोओगे तो दूसरे दिन अच्छा फल मिलता है, बुरा काम कर सोओगे तो दूसरे दिन बुराई का फल मिलता है। घृणा से घृणा बढ़ती है, बुराई से बुराई बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, मन से मन बढ़ता है। इन सभी बातों को काबू में रखने के लिए महानता होती है, और उसी का नाम है दोस्तों मेडिटेशन, उसी का नाम मेडिटेशन है। आहार विहार में ही मेडिटेशन है, आहार और विहार में ही मेडिटेशन है। साथियों,
पंचशील का मार्ग, ये बहुत बड़ा मार्ग है। पंचशील एक तत्व है, बुद्ध ने दिया हुआ तत्व है। सब पाप सक्रम कुशलम उपसंपदा सचिद परियो दपणम एतम बुद्धांग शासनम धम्मचरे सुरित नत दुज तीर्थ चरे धम्मचारी सुख सुती अंति लोक परिहिंत नतावता धम्म धरो यावता धम्मो भासति योच अपि स्वास्थ धम्म काहे न पसति। सवे धम्मचरो होती यो धम्मत पंपजति। कुंत भी पाप न करना, कुशल कर्म के साथ में संपादन करना, सच्चिताची परिशुद्ध करने, ये बुद्ध के अनुशासन है। अच्छा प्रकार का धर्म ही आचरण करना, दुवर्तन के आवरण करके नहीं, इस प्रकार के धर्म के आचरण करने वाला यह लोकी और परलोक में भी सुख समाधान मानता है। बहुत ही बोलने के धर्मधर नहीं होते, थोड़े बोलने वाला और धर्म को पालने वाला भी धर्मधर होता है। और जो धर्म को हिंसाड़ नहीं करता वही धर्मधर होता है। दोस्तों कोई पाप नहीं करना, कुछ भी पाप रहे, बोलने का पाप रहे, चलने का पाप रहे, देखने का पाप रहे, कर्म का पाप रहे, उससे दूर रहना, कुशल कर्म का संपादन करना, सच्ची सी चित्ती से परिशुद्धि करना, यही बुद्ध का अनुशासन होता है। अच्छे धर्म का आचरण करना, दुर्व्यवहार से दूर रहना, यही धर्म का आचरण है। इसी लोक में, यहां के लोगों में और परलोक में हमारी ताकत मरने के बाद में साउंड में परिवर्तन होती है, हवा में परिवर्तन होती है, शरीरों में परिवर्तन होती है, वो उसको सहन के लिए सुख शांति मिले, इस बात का भी धर्मधर करना। बहुत बोलने से धर्मधर नहीं होता, थोड़ा भी सीखा और धर्म से मार से गया, सच्चाई के मार से गया, तो वह धर्म को, जो धर्म की बातें इधर उधर हिड़साड़ नहीं करता वही सही धर्मधर होता है, वही सही धर्मधर होता है। सबे सता सुकु होती, सबे सता सुखी होतु, सबे होतु चखे मिनो, सबे भद्राणी पसंतु या कचित दुख माघर्मा, यानी तो भूतानी समागतानी भूमानी वायानी व अंतलिखे, सबे च भूता सुमना भवतु, अतोच शकत सुनतु भाषित, दशा ही भूता निशा मेत सभ्य मेत करोत मानुषिया पजाय, दिवाच रचोत हरंती ए बलि तमाही ने रखत अपमता, सर्व सुख गाता सारे प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी के हित का मार्ग सफल, कोई भी दुख न हो,
जो भूत और मुत्तक में पृथ्वी से या अंतरिक्ष में जमी हुई है, वो सभी भूते समाधानी हो और सुनो, लक्ष्य देकर ध्यान देकर सुनो, मनुष्य सब भूतों को सुनो, मानवीय प्रजा पर प्रेम करो, वो तुम्हारे लिए हितकारक के लिए और आत्र बढ़ी देता है, उनके जागृति के परिरक्षण करो। जब ये जो मरे हुए शक्ति है उन्होंने ध्यान दो, मनुष्य तुम्हारे लिए प्रेम से जीने का मार्ग करता है। तो मनुष्य तुम्हारे लिए जब अच्छा काम करता है, तुम भी जीने के लिए उनके साथ में अच्छा काम करो, कर्म ही तुम्हारे साथ में आएगा। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओगे, आहार और भी। वन्य गंध गुणोपंत एवं कुसुम समति पूजयंती मुनिगंध श्रीपाद गंध समार युते न दुखे न संगतिता पूजेय पूजनीत पूजा भाजन उत्तम सुगंधि काय वंदना अनंत गुण संधिना सुगंधियाय गंधेय पूजयति तथागत देवस्तो परम धम्म पाप मागंध नाशक सुगंधियाय गंधेय तुझे ही लोकनायक। बुद्ध धम्मच चेत पूजा बुद्ध धम्मच संगत सना सुगत अनुभवान धातो धातु लंकाय दम्बुद्वीपे तिदस पूर्वे नागलोक वेतुपे सब बुद्धस्त जीव बिंबे सकल दस दीते केशलोक मगी की धातु बंदे सबे पी बुद्ध दशबल नतुज बोधि चेती न मन नंदामी सोईस्त सब सब ठासुन पति चित्त शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सरक इतिपी सो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विजाचरण सम्मतो सुगतो लोक बिंदु अनुचरो पुरीस धम्म सारथी तथा देव मनुष्य बुद्धो भगवती बुद्ध याव जीवती शरणम गच्छामि धम्म वंदना साक कातो भगवता धम्मो संधिचितो अवालिको एरिपसीतो ओपनो तितो को पंचम वेदी तबो चित धम्म यावक जीवी का शरण गच्छामि। मेरे साथियों, हर आदमी आहार और विहार की तरफ दौड़ रहा है, हर आदमी को आहार और विहार की आवश्यकता है। हर आदमी आहार और विहार की तरफ दौड़ता है, आहार और विहार से मेरा क्या नाता है? आओ दोस्तों, आहार और विहार के नाते को हम पकड़ के रखते हैं, हम उस सुप्त गीत को पकड़ते हैं
पृथ्वी के साथ में मेरा क्या नाता है, मनुष्य के साथ मेरा क्या नाता है। मेरा वो चीज़ है जिसने मुझे बनाया है, मुझे बनाने वाले मेरे माता पिता है, मुझे बनाने वाले ये पृथ्वी की ऐसी एक शक्ति है जिस शक्ति को ना मैं समझ सका ना तुम समझ सके। आओ दोस्तों, मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं। तुम्हें कैसे गिरेगी? इस तरह से गिर गई। पापा कुछ छुपा रहे हैं और हमें पता करना है क्या? तुम्हें ये लगता है कि मैं नहीं? मासूम 17 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नजर देखा तुझे मुझे एक नजर देखा तुझे जान लिया मैंने तुझे तेरी झलक में लिया मुझे एक नजर देखा तुझे जान लिया मैंने तुझे तेरी झलक में
तेरा मेरा कैसा नाता समझ में ना दोस्तों, मेडिटेशन का बदलाव, इस दुनिया का साउंड का बदलाव, सुंदर गीतों का बदलाव, मनुष्य शुद्ध होता है। संगीत हमारे बीच में है, हमारे मन में है। सवेरे उठो, एक से रात के 3:30 बजे तक की शांत सोते हैं दुनिया, शांत सोते हैं लोग। डॉक्टर सच्चिदानंद फुलकर जागता है, उसी टाइम पर डॉक्टर सच्चिदानंद फुलकर जागता है और प्रभावी मेडिटेशन करता है, और फिर हर सवेरे एक तास आपको आपका साथी बनता है। दोस्तों, मेडिटेशन एक रास्ता है जो चित्त को शांत करता है, मनुष्य को शांत करता है, मनुष्य का बल को शांत करता है, ब्रेन को शांत रखता है। मेडिटेशन से अच्छी नींद आती है। मेडिटेशन एक प्रभावी योगा है, शस्त्र है, औसत से भी ज्यादा है। हर बातों पर आप कंट्रोल कर सकते हो। यह मन ही भटकता है, खाने के लिए मन भटकता है, मन पशुओं को खाता है, मेघालैंड में मनुष्य को खाते हैं, कुत्तों को खाते हैं। इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। नरभक्ष होने के बजाय मनुष्य पर प्रेम करना सीखो, अंग भक्ष होने के बजाय दिलों में जितना सुख सीखो। दिल से अंदर से अगर मन पापी है, उसे रोकना सीखो। अच्छा खाना खाओगे तो बाहर अच्छा फेंकोगे, जैसा सोचोगे वैसा होता है।
सागोगे पाओगे जैसा सोच वैसा रहोगे तुम वैसा पंजा हो गए वैसा